फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आपने प्रीपोजिशन बहुत बार पढ़ा होगा, अपने टीचर से पढ़ा होगा, यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस बने हैं इसके, लेकिन सबकी एक ही प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता। रूल्स इतने ज्यादा हैं कि कन्फ्यूजन हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा प्रीपोजिशन एट, इन, ऑन, फ्रॉम, कब, कहाँ लगेगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ नए तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, मेरा वीडियो देखना है और आप ही को बताना है कि मेरा ये जो प्रोसेस है बताने का प्रीपोजिशन वो कैसा है, इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। अगर मिलेगा तो हम इस पर और आगे वीडियो बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन जो फिक्स होता है, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन से जो वर्ड के साथ फिक्स होते हैं, हम आपको वही बताने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा। मैंने इसके साथ प्रीपोजिशन विथ जोड़ा है। इसका मतलब हुआ कि जब किसी व्यक्ति पर गुस्सा करना, जब आप किसी व्यक्ति पर गुस्सा करेंगे तो आप हमेशा विथ प्रीपोजिशन यूज करेंगे, यह फिक्स है। एंग्री विथ, ही इज एंग्री विथ मी, वो मुझसे गुस्सा है, ही इज एंग्री विथ मी, हमेशा यहाँ विथ फिक्स है। नेक्स्ट है एंग्री एक्ट। एंग्री एक्ट मतलब किसी गलती पर क्रोधित होना। इसके पहले था किसी व्यक्ति पर, यहाँ पर है किसी की गलती पर। जैसे ही इज एंग्री एट माई मिस्टेक, यहाँ पर आप विथ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। विथ किसके लिए है, व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन हो गया विथ और एट। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब किसी व्यक्ति पर गुस्सा करना हो तो एंग्री विथ, और किसी की गलती पर अगर गुस्सा निकालना हो तो आप एंग्री एट लिखेंगे। नेक्स्ट एग्री। एग्री मतलब होता है किसी पर सहमत होना। तो जब आप किसी व्यक्ति से सहमत होंगे तो आप लिखेंगे एग्री विथ। आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन किसी खास बिंदु पर सहमत होना, ठीक है, मतलब व्यक्ति पर नहीं, व्यक्ति के विचार पर अगर आप सहमत हैं तो आप कहेंगे ऑल द मेंबर्स विल एग्री ऑन दिस पॉइंट। यहाँ पर विथ आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आप किसी व्यक्ति पर सहमत नहीं हो रहे, तो आप यूज करेंगे एग्री ऑन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू। इसका मतलब हुआ के अनुसार। तो हमेशा अकॉर्डिंग के बाद आप टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू माई फादर, मेरे पिता के अनुसार, वी शुड नॉट एनक्रोच द अदर्स राइट, हमें दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। चलिए और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है एक्यूज्ड ऑफ, मतलब एक दोषी। तो एक्यूज वर्ड जब आएगा तो आप उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। राम इज एक्यूज्ड ऑफ, तो हमेशा एक्यूज्ड ऑफ यूज करेंगे दोषी ठहराने के लिए। ऑफ अ सीरियस क्राइम, मतलब सीरियस क्राइम में राम दोषी है। अफ्रेड ऑफ मतलब भयभीत। अफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ। ही शुड बी अफ्रेड ऑफ द क्रिमिनल्स, उसे क्रिमिनल से भयभीत होना चाहिए, ठीक है। तो अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन। अप्लाई टू, आवेदन करना, ठीक है। ही हैज अप्लाइड टू द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल को आवेदन किया, ठीक है। मान लीजिए कुछ बात करना था तो उसने अपना लेटर प्रिंसिपल को लिखा, तो अप्लाइड के बाद हमेशा टू। लेकिन जब आप नियुक्ति के लिए आवेदन करेंगे तो अप्लाई फॉर यूज करेंगे। जैसे माई सन हैज अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए मेरे बेटे ने आवेदन किया, तो वहां पर पोस्ट के लिए आवेदन करना था और ऊपर में प्रिंसिपल को कोई लिखना था, मतलब कोई रिक्वेस्ट था जो लिखा गया, ठीक है। तो अप्लाई टू और अप्लाई फोर के बाद अशेम्ड ऑफ, लज्जित होना। तो जब भी लज्जित होने के सेंस में आप लिखेंगे तो अशेम्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। सी इज अशेम्ड ऑफ हर फेलियर, मतलब अपने असफलता पर वो लज्जित है। बिलोंग टू से संबंधित होना, ठीक है। बिलोंग टू, दिस लगेज बिलोंग्स टू मी, इसका मतलब यह लगेज सामान किसका, तो मेरा। तो जब भी संबंध रखने वाला होगा, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं जहां से हम लोग कहीं, जैसे मान लीजिए हम पटना के हैं तो बिलोंग टू पटना, ऐसे भी बोलते हैं, तो यह बिलोंग के बाद हमेशा टू यूज करेंगे संबंध बताने के सेंस में। क्लोज टू, क्लोज टू मतलब होना घनिष्ठ। ही इज क्लोज टू मी, वो मेरे घनिष्ठ है, मतलब वो मेरे काफी करीब है। केयर फॉर, ध्यान रखना। द ओल्ड मेन शुड हैव केयर फॉर देयर हेल्थ, बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। केयर ऑफ, किसी वस्तु का ध्यान रखना। इसमें व्यक्ति जो था अपना हेल्थ या फिर अपनी देखभाल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर
किसी वस्तु को ध्यान में रखा जाएगा तो केयर ऑफ यूज करेंगे। टेक केयर ऑफ योर बुक्स, अपने बुक्स का ध्यान रखो। अब आप यहाँ पर ऑफ के जगह पर फॉर यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और यहाँ पर आप ऑफ यूज नहीं कर सकते। हेल्थ की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है तो केयर फॉर, और किसी वस्तु की बात हो रही है तो केयर ऑफ, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, बधाई देना। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड रेखा ऑन हर सक्सेस, तो रेखा के सक्सेस पर उसने उसको बधाई दिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन या जो ऐसे वर्ड है कॉन्ग्रेचुलेट, तो आप हमेशा ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। डील इन, व्यापार करना, जब व्यापार करने के सेंस में आप डील यूज करेंगे तो इन यूज करेंगे। ही डील्स इन टेक्सटाइल मटेरियल, मतलब कि वो कपड़े का व्यापार करता है, मतलब कि उसमें वो डील करता है। लेकिन डील विथ का मतलब होता है बर्ताव करना, एक तरह का बिहेव। ही डील्ड विथ मी वेरी रफली, मतलब उसने मेरे साथ काफी बुरा व्यवहार किया। तो जब व्यक्ति के साथ व्यवहार की बात हो रही है तो डील, डील विथ, और अगर आपका कोई बिजनेस है तो डील इन। डाई ऑफ और डाई फ्रॉम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। डाई ऑफ मतलब बीमारी से मरना, और डाई फ्रॉम मतलब किसी अन्य कारण से मृत्यु होना। अब देखिए, डाई ऑफ, ही डाइड ऑफ कॉलरा, मतलब कि उसकी मृत्यु कॉलरा से हुई, जो कि बीमारी से। और ही डाइड फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, इसका मतलब इसकी जो मृत्यु हुई है वो किसी बीमारी से नहीं हुई है, किसी अन्य रीजन से हुई है, तो यहाँ डाई फ्रॉम। चलिए कुछ और देख लेते हैं। फॉन्ड ऑफ, प्रिय, आई एम फॉन्ड ऑफ लेटेस्ट ड्रेस, तो मैं किसका शौकीन हूँ, मुझे क्या प्रिय है, तो लेटेस्ट ड्रेस मुझे पसंद है। तो फॉन्ड के बाद हमेशा आप ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। गुड एट, अच्छा होना, इज गुड एट रीडिंग, वो रीडिंग भी अच्छा है, तो आप हमेशा गुड के बाद एट यूज करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट इन मतलब रुचि, आई हैव इंटरेस्ट इन रिसर्च वर्क, तो मुझे रिसर्च वर्क में रुचि है, तो इंटरेस्ट इन लिखेंगे। इंटरेस्ट के अलावा यहाँ और दूसरा प्रीपोजिशन नहीं देंगे, ठीक है। लाफ एट, हंसना, डोंट लाफ एट मी, मुझ पर मत हंसो, तो लाफ के बाद एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। लिसन टू, सुनना, ही लिसन टू यू, वो तुमको सुनता है, तो लिसन के बाद आप हमेशा टू यूज करेंगे, लिसन के बाद एट, इन, ऐसा कुछ यूज नहीं करेंगे। लुक आफ्टर, देखभाल करना, ठीक है, माय आंट लुक आफ्टर मी, मेरी आंट ज्योति मेरा देखभाल की थी, ठीक है, तो लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल के सेंस में आप लुक के बाद आफ्टर प्रीपोजिशन यूज करेंगे। लुक एट, देखना, अब लुक एट को जरा ध्यान से समझिएगा, देखना मतलब टारगेट करके किसी को देखना। अब मान लीजिए इस बोर्ड को आप देख रहे हैं, तो इस बोर्ड में आप सब कुछ देख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मान लीजिए इस बोर्ड में आप सिर्फ एक वर्ड रुचि को देख रहे हैं, ठीक है, बाकी सबको आप इग्नोर कर रहे हैं, आपका टारगेट सिर्फ रुचि है, ठीक है, तो आप यहां पर लुक एट यूज करेंगे, ठीक है। लुक मतलब देखना, लेकिन लुक एट मतलब किसी टारगेट करके किसी चीज को देखना, तो लुक एट, लुक एट मी, मुझे देखो, इसका मतलब बाकी चीजों को इग्नोर करना है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ मुझे देखने की बात कर रहा है। मैरिड टू, विवाह करना, राधा वॉज मैरिड टू कृष्णा, तो राधा की शादी कृष्ण से हुई थी, तो आप मैरिड के बाद टू यूज करेंगे। प्रेफर टू, बेहतर चा, आई प्रेफर राइस टू ब्रेड, प्रेफर के बाद आप प्रीपोजिशन टू यूज करेंगे, मतलब वो राइस को ज्यादा पसंद करता है रोटी की तुलना में। प्राउड ऑफ, गर्व, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, तो प्राउड के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। रिप्लाई टू, जवाब देना, आई हैव रिप्लाइड टू योर लेटर, मैं तुम्हारे लेटर का जवाब दे चुका हूं, तो रिप्लाई के बाद आप टू यूज करेंगे। सेटिस्फाइड विथ, संतुष्ट होना, ही इज सेटिस्फाइड With my work, वो मेरे काम को लेकर संतुष्ट है, satisfied है, तो आप satisfied के बाद with preposition यूज करेंगे। Sorry for, दुखी, I am sorry for my mistake, मैं अपने mistakes के लिए दुखी हूँ, तो sorry के बाद for preposition यूज करेंगे। Superior to, superior के बाद आप preposition यूज करेंगे, मतलब होता है बेहतर, my dress is superior to yours, तुम्हारे ड्रेस से मेरा ड्रेस काफी अच्छा है, ठीक है, बेहतर है। Thankful to, कृतज्ञ, आभारी होना, I am thankful to you, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, thankful के बाद आप टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना, टेक केयर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन, ध्यान रखने के सेंस में, एवरीबॉडी शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, हर व्यक्ति को अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए।
टायर्ड ऑफ, थकना, आई एम टायर्ड ऑफ योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे बिहेवियर से, मतलब तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है कि हम थक चुके हैं, उब चुके हैं। वेट फॉर, प्रतीक्षा करना, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करता रहूँगा। ठीक है, आज आपको प्रीपोजिशन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया मिला हो, कुछ आपने नया सीखा, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर हुई एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।